गुड इवनिंग एवरीवन मु लिपुन आपण मानको लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुचे। आज संध्यार कौन टॉप न्यूजेस रही आपण मान बताइबे ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाकर थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु कारण जहाँ भी लाटेस्ट इनफर्मेसन रही आपण मैंने सर्वप्रथमें पाइपे। तो चलतु आज कार टॉप न्यूजेस कौन रही देखने तो देखु प्रथम अपडेट रही संभाव्य बात्या यश मुकबिला राज्य सरकार उच्चस्तरीय बैठक आईएमडी अधिकारी और विभिन्न विभाग सचिवों सहित आलोचना कर स्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर प्रदीप जेना बंगोपसगर सृष्टि जाता बात्या केमी मुकबिला से नहीं बैठक में विचार विमर्श करत्या मुकबिला गत काली ओड्राफ्ट एनडीआरएफ ओडिशा पुलिस पाणीपाग विभाग अधिकारी सहित आलोचना करते एसआरसी एथस जिलापाल मान सहित भी आलोचना करते और दस टी जिले प्रस्तुति आरंभ करने को निर्देश देते। बंगोपसगर मे मस 22 तारिख में लघुचाप सृष्टि पर मे मस 25 तारिख मध्य बात्यार रूप ने पूर्वानुमान कर आईएमडी मे मस 26 तारिख संध्यार ओडिशा और पश्चिमबंग मध्य लैंडफल कर आकलन कर आईएमडी। तबे भारतीय पाणीपाग विभाग कही बात्या केउठी लैंडफल करिवो ताहा एबे थाडु पूर्वानुमान करा जाई पारिवो नाही किंतु तो पाणीपागर आकलन करुथबा संस्था wind.com आकलन अनुसार यही बात्या ओडिशार बालेश्वर उपकूल स्थलभाग छुईब मे मस 26 तारिख राति 2टा परठार यही लैंडफल प्रक्रिया आरंभ हो पारे सका 5टा जाए प्रक्रिया जारी रही सूचना रोचे। दुई नंबर अपडेट रही कोरोना काल में चाषी भाई खुशी खबर आणिले मोदी सरकार एवं अधा दाम मिलिबो डीएपी सार अर्थात गोटे ब्याग बा 50 केजी सारर बजार मूल्य 2400 टंका थिबा बेले सरकारी सब्सिडी जुगु एहा चाषी मानंकु 1200 टंका रे मिलिबो बुली सूचना रहुछि। तीन नंबर अपडेट रही देश में कोरोना मीटर दिनक आजि 2,76,070 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछंती ता सहित 3,874 जनकर मृत्यु होइथिबा सूचना रहिछि। चारि नंबर अपडेट रही आज सप्ताहे सटडाउन ओडिशा हाइकोर्ट राज्य एवं कटक सहर से संक्रमण वृद्धि पाता बेले हाइकोर्टर अनेक कर्मचारी कोरोना संक्रमित होती या दृष्टि रखी आज मे मस 27 तारिख पर्यंत हाइकोर्ट सटडाउन रजिस्ट्रार जेनेल निर्देशनामा जारी कर। पांच नंबर अपडेट रही कोरोन राज्य आज 25 जनकर मृत्यु घटी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्ष एने सूचना दि जाएस राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 2405 वृद्धि पाई। कलाहांडी खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 4 जनकर मृत्यु होती अनुगुल जिलूर 3 जन प्राण हर बेले गंजाम रायगढ़ सुंदरगढ़ जिलूर 2 जन लेखाएं मृत्यु होती। बालेश्वर बरगढ़ बलांगीर बौद्ध कटक ढेंकानाल केन्दुझर पुरी जिलूर जड़े लेखाएं कोरोना आक्रांत मृत्यु होती। राज्य में गत 24 घंटार 11,498 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती से 6,449 जन क्वारेटाइन सेन्टर चिन्हट होता बेले 5,068 जन लोकल केस पुलिस सूचना रही। तो राज्य में मोट कोरोना आक्रांत संख्या 6,55,899 को वृद्धि पाई। छ नंबर अपडेट रही घरे रही करें कोरोना टेस्ट होम बेस्ड कोविड टेस्टिंग किट को मंजूरी देला आईसीएमआर कोरोना पाई आंटीजेन आरटीपीसीआर परीक्षा कर आंटीजेन रिपोर्ट तुरंत मिल जाता बेले 24 घंटा पर मिलूँ आरटीपीसीआर टेस्ट किंतु एवं आपण मैंने घरे रही निजे कोविड टेस्ट करें तबे किए आउ केमिति टेस्ट करिवे सेने एक गाइडलाइन जारी करिसंती आईसीएमआर एया एक होम रैपिड एंटीजन टेस्ट किट कोरोना रो लक्षण थिबा किंबा संक्रमित संपर्क आसीथिबा व्यक्ति यार व्यवहार करिपारिबे। तबे भारत रे केवल गोटिए कंपनी को मंजूरी देछि आईसीएमआर यार नाम रहुछि माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन लिमिटेड जेके टेस्टिंग आप गूगल प्ले स्टोर और आपल स्टोर उपलब्ध होती को समस्त मोबाइल व्यवहारकारी डाउनलोड करें आप्रे नियम अनुसार समस्त प्रक्रिया शेष करिबा परे नेगेटिव किंबा पॉजिटिव रिपोर्ट आसीबो जेके तथ्य आईसीएमआर निकट में रहिबो जाद्वारा लैबोरेटरी गुड़िक बढ़ुवा चाप कमिबो बुली। सात नंबर अपडेट रही वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा राजस्थान पूर्वतन मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया कोरोना रे आक्रांत हुई प्राण हर मृत्यु बेलू 99 वर्ष होता 1980-1981 जाए राजस्थान मुख्यमंत्री थी जगन्नाथ जगी हरियाणा और बिहार राज्यपाल भाव कार्य करते। नंबर अपडेट रही कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को योजना जून मध्यभाग जाए आगुआ प्रस्तुत करने को समस्त राज्य केन्द्रशासित अंचलगुड़ी को केन्द्र सरकार परामर्श देते एथसत कोविन आप्रे एक लोक जनवा सहित अधिक रु अधिक टीकार डोज जगैदेवी टीकाकरण केन्द्र में अधिक भिड़ नक पर्यायक्रमे लोक डोज देवाक केन्द्र सरकार परामर्श देते।
नौ नंबर अपडेट रही 2021-22 आर्थिक वर्ष गाँ कल्याण समिति गुड़ी को 4 किस्ती में 20,000 टंका लेखाएं मिल कोविड सचेतनता गरीब लोक मास्क बंटन कोविड रोगी घर को सानिटाइजेसन आदि कार्यपाई से अर्थ खर्च करेंगे। प्रत वर्ष गाँ कल्याण समिति को 10,000 टंका लेखाएं दि जाए कि चलित थर कोविड संक्रमण को दृष्टि रखी गाँ कल्याण समिति को अधिक 10,000 टंका मुख्यमंत्री रिलीफ पांटी दिजावे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक घोषणा कर। दस नंबर अपडेट रही राउरकेला महानगर निगम अंचल में कोविड संक्रमण चेन भांगिबा विभिन्न पदक्षेप ने प्रशासन जनसाधारण आवश्यक नथिले घर न बाहर से दुआर मुहरें आलु पियाज भली अत्यावश्यक सामग्री जगाई देउछि मिशन शक्तिर महिला। मे मास 5 तारिख रु आरंभ होइथिबा लॉकडाउन को राज्यर जून मास 1 तारिख पर्यंत वृद्धि करा जाइछि। तेणु एही समय रे महिला स्वयं सहायक गोष्ठी रो सदस्य माने साधारण जनता को दुआर मुहरें आलु पियाज नै सुलभ दर रे बिकुथिबा सूचना रहिछि। 11 नंबर अपडेट रही पूर्वर दशम श्रेणी में प्राक्टिस टेस्ट दे नथिबा पिलांकु घरे परीक्षा कराई परीक्षा खाता को विद्यालय दाखल करदे एवं पिलांकर स्कूल मार्क रजिस्टर बदलाई देले बोर्ड मागिथिबा समस्त डॉक्यूमेंट को ठीक ठाक करी मेंटर स्कूल दाखल कले। मेट्रिक परीक्षा निज निज पिलांकर नंबर बढ़ावाई अनेक विद्यालय कर्तृपक्ष एपरी कारसाद करथिबा सूचना रही। 12 नंबर अपडेट रही एणिकी कार खोलिबा चाबी दरकार पड़बनी निजर स्मार्टफोन ले कार को खोल जाई पारिबो एपरिकी दूर रे थिले भी चाबी अन्य जन को शेयर करा जाई पारिबो। आंड्रॉइड स्मार्टफोन ले एभली विशेषता आनी गूगल गूगल आगामी दिन में आसवाकूबा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस आंड्रॉइड 12 रो फास्ट बीटा वर्सन विकसित करिछि जेउथिरे उपरोक्त सुविधा उपलब्ध हेबो। 13 नंबर अपडेट रही जुलाई रे शेष हेबो कोविड रो द्वितीय पर्याय संक्रमण प्रभाव 6 मास परे आसिबो तृतीय पर्याय लहर भारतीय सरकारक विज्ञान कारीगरी विभाग पक्षरु गठित 3 जणिया वैज्ञानिक दल एभली अनुमान करिछन्ति एथिसहित सेमाने कहिछन्ति एहा केवल एक आकलन। 14 नंबर अपडेट रही सुवर्णपुर जिला को काल बैशाखी नै सतर्क सूचना विशेषकर जिलागुड़ी होगी मलकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर बरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज देवगढ़ सोनपुर बौद्ध कंधमाल जिले में काल बैशाखी जनित विजुली घड़घड़ी वर्षा हो पारे सूचना रही। 15 नंबर अपडेट रही कोरोना संकट मध्य ब्लाक फंगस देशपाई नुआ समस्या रूप से उभा होती कोरोनार द्वितीय लहरी नाकेदम कर सारी बेले ब्लाक फंगस चिंतार अच्छा सरकार अनेक राज्य में ब्लाक फंगस काया विस्तार कर सारी सहित स्थिति गंभीर आड़क गति करुच्छी। महाराष्ट्र में ब्लाक फंगस संक्रमित हो एवं सुधा 90 जन प्राण हर राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपो एथस कोरोनार सुस्थ हो डायबिटिस रोगी निज सुगार लेवल व शर्करा मात्रा नियंत्रण में रखा आवश्यक यही संक्रमण नाक आउ पटे शरीर में पशुवा भल भाव मास्क लगातु बाहर को गले फुल सार्ट फुल पैंट जोता पिंधतु मटी में फंगस रोथवरु माटी दूरे रुहतु एवं बगीचा काम बेले ग्लोवस आउ व्यवहार करने परामर्श दि जा। 16 नंबर अपडेट रही कोरोना रोगी जीवार 2-3 घंटा पर जाए मध्य पवन में रही था भाईरस चेतावनी देला 3 सेंट्रल लैब रिसर्च पर वैज्ञानिक मैंने चिंता व्यक्त करती लोक 2 लेखाएं मास्क पिंधापी परामर्श दि जाए आशा करवा द्वारा संक्रमण मात्रा को किटा कमई हे तेरे वर्तमान लोक आधिक सचेतन रहा विशेषज्ञ मैंने परामर्श दे। 17 नंबर अपडेट रही रथ निर्माण बेले नियोजित 3 महारणा कोविड पॉजिटिव चिन्हट होती सहित 5 जन भोई सेवकों पॉजिटिव आसी रथ निर्माण कार्य प्रभाव पड़े कि द्वितीय वेब्रे 2 सेवायत 2 परिवार सदस्यों मृत्यु होती मानने महारणा सेवक मान छनका पशि आग को किपरी कार्य करदी आग को एपरी जनक जड़े कोविड आक्रांत हे तेरे आशंका सृष्टि होबे एने आज एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसव श्रीमंदिर प्रशासक पुरी में आसी पहुंची सारी एथसत रथ निर्माण को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बस बैठक में पुरीर जिलापाल उन्नयन प्रशासक अजय जेना नीति प्रशासक उपस्थित रे सूचना रही। 18 नंबर अपडेट रही जदि आपणकर ब्यां खाता अच्छी तेल आपण बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण सूचना आपण को सात जरूरी सेवापाई देवाई पड़ो चार्जेस जदि आपणे संचय खाता अच्छी तेज जानतु जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आईसीआईसी बैंक एचडीएफसी बैंक कोटक महिंद्रा बैंक सहित एक्सिस बैंक रे जदि आपणकर खाता अच्छी ताले आपणकु चार्जेस देवाई पड़ो यही सब कारबार पई प्रथम रोचे क्या लेनदेन
ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ନଗଦ ନେଣଦେଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିମାସରେ 3-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପ୍ରତିମାସରେ ସର୍ବାଧିକ 5 ଥର ନେଣଦେଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଏଟିଏମ୍ ଉଠାଣ ଚାର୍ଜେସ୍। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଏଟିଏମ୍ରେ ମାସକୁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ 3 ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ମାଗଣାରେ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଥର ପ୍ରାୟ 20-50 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍କ ହୋଇଥାଏ। ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ୍ ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିବ। ଯଦି ଖାଲି ଏମିତି ଟେକ୍ନିକାଲ ଏରର୍ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ୍ ହେଉଛି କେବଳ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ୱିଡ୍ରାଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା, ତା ସହିତ GST ମଧ୍ୟ କଟିବ। ତା ସହିତ ରହୁଛି ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାତାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବାଲାନ୍ସ ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିବ। ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଚାର୍ଜେସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଇଛି ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ 50-500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜେସ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ପିନ୍ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିସେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍ କଟେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ଯାଉଛି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜେସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ହୁଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 100-150 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାର୍ଜେସ୍ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ରହୁଛି SMS ଚାର୍ଜେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ SMS ଆଲର୍ଟ ପଠାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାର୍ଜେସ୍ କଟିଥାଏ ମାସକୁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, କରୋନା ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର 10 ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସେହି ରାଜ୍ୟର 54 ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ପଣ୍ଡୁଚେରୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କେରଳ ଏବଂ ହରିୟାଣାର ଜିଲ୍ଲାଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 20 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ସୁନାଦରକୁ ନେଇକି ଯାହାକି ସୁନାଦର ବଢ଼ିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 45,600 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 49,750 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 21 ନମ୍ବର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହୁଛି, କରୋନା ସମୟରେ ତାଉକ୍ତେ ପରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ଭୀଷଣ ଏବଂ ଅତି ଭୀଷଣ ଆକାରର ହୋଇପାରେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ତଥା IMD ସାଇକ୍ଲୋନିଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ RK ଜେନାମଣି କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା May 22 ବାତ୍ୟା ନେଇ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ବାତ୍ୟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ତାହା ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ମାନେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତେବେ ଏହା ଭୀଷଣ ଏବଂ ଅତି ଭୀଷଣ ଆକାରରେ ବାତ୍ୟା ହୋଇପାରେ। May 22 ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ May 24 ବାତ୍ୟାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। May 25 ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ରହିଛି ଅପ୍ଷ୍ଟକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ପ୍ରତି ରେଫର୍ରେ 300 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ରେଫର୍ କରିକି ଅନଲିମିଟେଡ଼୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନ୍ଦେ ମାତରମ୍।